अपने मोबाइल पर रेड बटन को क्लिक करके मुझे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंजना और मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो होली आ गई है और होली में पुआ बनना तो बनता है, तो मैंने पहले भी पुआ की रेसिपी शेयर की है आपके साथ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं मालपुआ, और रबड़ी मालपुआ मैं बना रही हूं। बहुत इजी रेसिपी है, लेकिन एक बार आप बनाकर खाएंगे चाहे अपने गेस्ट को खिलाएंगे तो आप खुद ही जान जाएंगे कि कितनी टेस्टी बनती है और लोग आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। तो एक बार मेरी रेसिपी को, मालपुआ की रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए, बहुत इजी रेसिपी है। और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं किचन, बताते हैं कैसे बनती है रबड़ी मालपुआ। तो देखिए, ये हमारे मालपुए बन गए हैं और आप देख ही सकते हैं कितनी अच्छी जूसी मालपुए बने हैं। और दो सिर्फ दो चीजों से इतनी अच्छी मालपुए बने हैं। तो आप इसे ट्राई जरूर, आप इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं या मैं आप एक तरीका दिखाती हूँ जिसे आप इस तरह से ऊपर, इसके ऊपर रबड़ी डालकर भी, ये रबड़ी मालपुआ है तो रबड़ी डालकर भी आप सर्व कर सकते हैं। मैं दिखाती हूँ कितनी सॉफ्ट बनी है। तो देखिए, इस तरह से मैं इसके ऊपर इस तरह से थोड़ी सी रबड़ी डालकर और ये थोड़ा सा हल्का बादाम, काजू थोड़ी सी और ये थोड़ा सा पिस्ता डालकर इस तरह से सर्व कीजिए। ये मालपुआ आप देख ही सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है। मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ, बहुत ही सॉफ्ट बनी है फ्रेंड्स, बहुत ही जूसी, एकदम बहुत जूसी मालपुआ बनकर रेडी हुई है। देखिए कितनी अच्छी ये मालपुआ बनी है हमारी। रबड़ी मालपुआ बनाने के लिए मैंने लिया है एक कढ़ाई, और एक कढ़ाई में मैं फुल क्रीम 1 लीटर दूध डाल दूंगी। गैस को हमने ऑन कर लिया है, इसके लिए हमें फुल क्रीम दूध भी लेना है क्योंकि मैं रबड़ी मालपुआ बता रही हूँ आपको। तो उसके लिए मैं सबसे पहले इससे रबड़ी बनाकर रेडी करूंगी। 1 लीटर दूध को हमें इस तरह से चलाते हुए इसे गाढ़ा करना है। लगभग 1 लीटर दूध है तो इसे हमें 1 पाव दूध कर लेना है। जब ये सूखकर गाढ़ी होकर 1 पाव बन जाए तब तक हमें इसे गाढ़ा कर लेना है। तो दूध जब तक हमारी गाढ़ी हो रही है तब तक हम इसके मालपुआ के लिए चाशनी को तैयार कर लेंगे। दूसरी ओर, गैस के दूसरी ओर मैं चाशनी भी रेडी कर लेती हूँ। चाशनी के लिए मैंने दूसरी ओर एक कढ़ाई रख दी है गैस ऑन करके, और इसमें मैं डाल दूंगी ये 1 कप चीनी, ये लगभग 100 ग्राम चीनी होगी। और इसमें हम डालेंगे, 1 कप चीनी में मैं डाल दूंगी 1/2 कप पानी, मतलब जितना हमने चीनी लेना है उसका ठीक आधा हमें पानी लेना है। और अब हम इसे, इसका चाशनी तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए हमें एक तार की चाशनी नहीं बनानी, बस चीनी हमारी पिघल जाए और इसमें थोड़ी सी उबाल आ जाए, बस उसी तरह की चाशनी बनानी है। तो इसके लिए मैंने ली है, देखिए थोड़े से लगभग 20-25 केसर के धागे हैं और ये 6-7 छोटी इलायची, इसे मैं कूच कर छिलके के साथ ही डाल दूंगी। आप चाहें तो इलायची का पाउडर भी यूज कर सकते हैं, और केसर बिल्कुल ऑप्शनल है, यदि आप ना चाहें तो नहीं भी डाल सकते, सिर्फ इलायची डालकर बना सकते हैं। तो चलिए इलायची को मैं थोड़ा सा क्रश कर लेती हूँ और केसर के धागे को मैं इसमें डाल देती हूँ। केसर की खुशबू काफी अच्छी इसमें आती है,
मालपुए में और चाशनी हम बनने देते हैं। तो देखिए इलायची को हमने क्रश कर लिया है और मैं यहाँ पर छिलके के साथ डाल रही हूँ क्योंकि इसके छिलके में भी काफी फ्लेवर होती है और छिलका डाल देखने में भी काफी अच्छा लगता है। तो मैं इसके छिलके के साथ ही इसमें ऐड कर देती हूँ उसमें चाशनी में हमारी उबाल आ गई है लेकिन चीनी अभी थोड़ी हमारी गली नहीं है, तो चीनी अच्छी तरह से गल जाए बस उतना ही हमें चाशनी बनाना है। किसी एक तार की चाशनी हमें नहीं बनानी है, थोड़ी चाशनी पतली ही रहेगी तभी हमारे मालपुए में वो अच्छी तरह से अंदर जा पाएगी। तो चीनी हमारी अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है और चाशनी में दो तीन उबाल भी आ गए हैं आप देख सकते हैं। तो चाशनी हमारी बन गई है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये चाशनी हमें इस तरह की चाहिए, एक तार की चाशनी नहीं चाहिए, थोड़ी सी चिपचिपी होनी चाहिए जिस तरह की हनी रहती है। तो अब हम इसे गैस को कर देते हैं ऑफ और इसे हम साइड में रख देते हैं। तो देखिए दूध हमारी उबल गई है और इसमें ये जो साइड साइड में इसे स्क्रैच करते जाएंगे साइड में जो ये मलाई जम जा रही है और इस तरह से हम मीडियम टू लो फ्लेम पर या मीडियम टू हाई रखकर भी आप इसे बना सकते हैं ऐसे, लेकिन आपको थोड़ी थोड़ी देर में इस तरह से चलाते रहना होगा। तो दूध हमारी गाढ़ी होनी शुरू हो गई है आप देख सकते हैं, दूध में उबाल भी आ गए हैं। बस साइड से ऐसे हमें साइड साइड से स्क्रैच करना है इसे और इस तरह से स्पून को कढ़ाई के एकदम तले में ले जाकर हमें इसे चलाते रहना है। साइड को स्क्रैच कीजिए और आप देख सकते हैं ये गाढ़ी होनी शुरू हो गई है, थोड़ी थोड़ी इस पर मलाइयां भी आ गई हैं। तो इस तरह से हम इसे सुखा। तो देखिए दूध हमारी लगभग एक पाव ही बच गई है और इस तरह से किनारों को स्क्रैच करते हुए हमने इस तरह की रबड़ी बना ली है, देख सकते हैं आप दूध हमारी काफी गाढ़ी हो गई है इस तरह से आप देखिए। मैं एक स्पून से भी आपको दिखा देती हूँ, काफी गाढ़ी हो गई है दूध हमारी आप देख सकते हैं जिससे मैंने चलाई थी उस पर, वाओ देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से ये तो आपको और भी आसान हो जाएगी बनानी। तो हो गई है और एक लीटर हमने दूध लिया था तो बहुत ही अच्छी ये रबड़ी हमारी बनकर रेडी हो गई है। तो यहाँ पर मैं कर दूंगी गैस को ऑफ, गैस को मैं कर देती हूँ ऑफ और इसे हम थोड़ा ठंडा होने देते हैं, गरम गरम में हम नहीं डालेंगे। तो इसे 10 मिनट पंखे के नीचे रख दीजिए तो ये फटाफट ठंडी हो जाएगी। तो मैं इसे पहले ठंडा होने देती हूँ, उसके बाद मैं दिखाती हूँ किस तरह से पुआ का घोल हमारा रेडी होगा। इस तरह से आप एक बार मालपुआ बनाकर खाएंगे फ्रेंड्स होली में तो आप खुद ही जान जाएंगे कितनी सॉफ्ट और एकदम मुंह में घुल जाने वाली मालपुआ इसकी बनती है और इतनी टेस्टी बनती है कि एक बार आप बनाएंगे तो आपको बार बार बनाकर खाने की इच्छा होगी। और जिसे भी आप खिलाएंगे होली में, इस बार होली में एक बार ट्राई कीजिए मेरी रेसिपी को, एक बार ट्राई करके थोड़ा सा ही ट्राई करके देखिए आप, मेरा यकीन मानिए फ्रेंड्स आपके घर में जो भी गेस्ट आएंगे उसे आप खिलाएंगे तो वो भी इससे इसके स्वाद को नहीं भूल पाएंगे। तो चलिए मैं इसे ठंडा होने देती हूँ। तो देखिए ये रबड़ी हमारी ठंडी हो गई है, हल्की सी वर्म है, हल्का सुसुम है। तो इसमें हम एक साथ मैदे को नहीं डालेंगे, मैदे को थोड़ा थोड़ा डालेंगे। जैसे अभी हमने 1 टेबलस्पून मैदा डाला और डालते जाएंगे मैदे को और इस तरह से मिक्स करते जाएंगे, एकदम स्मूथ हमें इसका बैटर तैयार करना है। एक साथ मैदा हम डाल देंगे तो इसमें लम्स आ जाएंगे, गुठलियां पड़ जाएंगी। तो थोड़ा थोड़ा मैदा हमें डालना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है। तो देखिए लगभग 4 टेबलस्पून हमने मैदे इसमें डाले हैं और थोड़े थोड़े करके डाले हैं और इसे हमने मिक्स किया। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा दूध ली हूँ, लगभग 1 कप है। तो थोड़ा थोड़ा दूध हम इसमें डालकर मिक्स करते जाएंगे ताकि इसका बैटर जो है हमारा पुए का वो थोड़ा स्मूथ सा तैयार हो। थोड़ा मैदा डालेंगे, थोड़ा दूध डालेंगे। अभी ये काफी गाढ़ी है।
तो देखिए लगभग एक कप हमने इसमें दूध डाला है और इस तरह का घोल हमारा बना है और लगभग हमने इसमें 6-7 टेबल स्पून मैदा ऐड किया है। तो चलिए हम अब इसे फ्राई करते हैं यानी छानते हैं मालपुए को। तो देखिए ये घोल हमारा इस तरह का बनना चाहिए, आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ही होनी चाहिए। तो चलिए अब हम इसे बना लेते हैं। तो देखिए गैस ऑन करके एक पैन हमने ली है, नॉन स्टिक पैन, आप चाहे तो कढ़ाई में भी बना सकते हैं। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ देसी घी, तो मैं देसी घी का यूज कर रही हूँ पुए को तलने के लिए। आप चाहे तो इसे रिफाइंड ऑयल में भी अपने पसंद के अनुसार बना सकते हैं। देसी घी में बनाने से मालपुआ का टेस्ट और भी बढ़ जाता है, लेकिन बहुत से लोग घी खाना पसंद नहीं करते हैं तो वो तेल में भी इसे बना सकते हैं। तो घी हमारी थोड़ी मेल्ट हो जाए, गर्म हो जाए, उसके बाद हम इसमें पुआ को तलेंगे। तो देखिए घी हमारी मेल्ट हो गई है और अच्छी गर्म हुई है कि नहीं, एक छोटा सा हम इसमें डो डालकर देख लेते हैं। ये ऊपर आ गई है यानी हमारी घी अच्छी गर्म हो गई है। तो अब हम इसमें पुआ का डो डाल देते हैं। एकदम एक जगह हमें ऐसे तो देखिए इस तरह से हमें डालना है इसमें। और घी हमारी अच्छी गर्म होनी चाहिए, अधिक गर्म भी नहीं चाहिए। और इस तरह से साइड से हम इस पे घी इस तरह से डालते जाएंगे। घी को साइड से हमें इसके ऊपर ऐसे डालते जाना है और इसे डालते वक्त बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली डालना है, हमें कलछी को झटकना नहीं है। और इसे घी अच्छी गर्म है तो इसे पलटते वक्त हमें बहुत ही ध्यान से पलटना पड़ेगा। मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से इसे पलटना है। तो देखिए इसे हमें इस तरह से केयरफुली पलटना है। 2 चम्मच से बहुत ही आहिस्ते से डालिएगा क्योंकि घी हमारी गर्म है। देखिए कितनी अच्छी हमारे मालपुए बने हैं। तो दूसरी तरफ से भी इस तरह से हम हल्का ब्राउन कर लेते हैं इसे, उसके बाद हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए ये दोनों तरफ से हल्की ब्राउन हो गई है, गोल्डन ब्राउन, तो इसे हम इस तरह से निकाल लेंगे। निकालते वक्त आप इस तरह से 2 स्पून से इसे दबाकर जो भी एक्स्ट्रा इसमें घी है इसे इस तरह से कढ़ाई में रखकर प्लेट में निकाल लेना है। देखिए एक पुआ हमारी बन गई है, तो दूसरे वाले को भी हम इसमें डाल देते हैं बनने के लिए। इस तरह से हमें बिल्कुल आहिस्ते से डालना है और जिस वक्त आपको पुए को के घोल को डालना हो उस वक्त गैस का फ्लेम बिल्कुल कम कर लीजिए, क्योंकि घी अगर अधिक गर्म होगी तो पुए हमारे चारों तरफ से फटने लगेंगे। और इस तरह से ऊपर साइड से हमें इसके ऊपर घी डालते जाना है, गर्म घी को इसके ऊपर हमें इस तरह से डालते जाना है। डालने के बाद गैस की फ्लेम को हमें थोड़ा सा बढ़ा लेना है। तो देखिए कितनी अच्छी गोल गोल हमारे पुए बन रहे हैं और एक तरफ से थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन हो जाए उसके बाद हमें इसे पलटना है और घी को साइड से इस तरह से स्पून से इसके ऊपर डालते जाइए।
एक तरफ से ये ब्राउन हो चुकी है, तो इसे भी इस तरह से हमें केयरफुली ही पलटना है। देखिए आहिस्ते से, अगर आप आहिस्ते से नहीं पलटेंगे तो इसके घी के छींटे, आप घी काफी गर्म है तो उसके छींटे आपके ऊपर आएंगे। दूसरी तरफ से भी हम इसे इसी तरह से ब्राउन होने देते हैं। इसी तरह से हम मालपुए को पहले 5-6 मालपुए बना लेते हैं, उसके बाद हम इसे चाशनी में डिप कर देंगे। तो दोनों तरफ से ये भी गोल्डन ब्राउन हो गई है, तो इसे हम देखिए इस तरह से दो स्पून से पकड़कर आप इस तरह से थोड़ा निकालेंगे तो आपकी जो एक्स्ट्रा जो घी है वो इसी में रह जाएगी। इसी तरह से मैं बना ले रही हूँ 3-4, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से इसे चाशनी में डिप करना है। तो चाशनी हमारी ठंडी हो गई है तो थोड़ी सी हम उसे गर्म कर लेंगे, क्योंकि गर्म चाशनी में ही जो मालपुआ है वो अच्छी तरह से चाशनी को सोख पाएगी। तो इस तरह से हमने 5-6 मालपुए बना लिए हैं, देख सकते हैं आप कितनी अच्छी बनी है ये। तो इसे भी मैं निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से इसे चाशनी में डिप करना है। तो चाशनी को भी हमने एक तरफ गैस पर गर्म कर ली है और गैस को हमने कर दिया है ऑफ। तो ये देखिए, ये हमारे गर्मा गर्म 5-6 मालपुए बनकर रेडी हो गए हैं और आप देख ही सकते हैं कितनी अच्छी बनी है। तो चलिए अब हम इसे चाशनी में डिप कर लेते हैं। तो देखिए चाशनी को मैंने हल्का गर्म कर लिया है, तो आप जब भी मालपुए को डिप करें तो उस वक्त चाशनी को जरूर थोड़ी गर्म कर लीजिएगा, तभी ये मालपुए अच्छी हमारे अच्छी तरह से फूलेंगे। तो इस तरह से मालपुए को हम डालते हैं और लगभग चाशनी में हमें 2-3 मिनट इसे डिप करके रखना है अच्छी तरह से। तो देखिए इस तरह से इसके ऊपर चाशनी अच्छी तरह से, इसलिए मैंने बड़े बर्तन में चाशनी बनाई है ताकि इसे अच्छी तरह से मैं मालपुओं को डिप कर सकूं। और चाशनी में हमें लगभग 2 मिनट इसे रखना है ताकि ये अच्छी तरह से चाशनी को पी ले। तो मालपुओं को हमने चाशनी में डाल दिया है, आप देख सकते हैं, और अच्छी तरह से चाशनी में ये डूबी हुई है। तो 2 मिनट हम इसमें रहने देते हैं, उसके बाद में हम सर्व करेंगे। तो बहुत ही अच्छी मालपुआ बनकर रेडी हुई है फ्रेंड्स। इस बार होली में इसे एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, मेरा यकीन मानिए ये सिर्फ 2 चीजों से बनी है लेकिन खाने में ये मिठाई को भी फेल कर देने वाली है, और आप जिसे बनाकर खिलाएंगे ना वो आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। तो ट्राई जरूर कीजिएगा और ट्राई करने के बाद मुझे अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा फ्रेंड। तो देखिए लगभग 2 मिनट हो चुके हैं और सारे मालपुए हमारे बहुत ही अच्छी तरह से चीनी के चाशनी को पी चुके हैं। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं, बहुत ही आहिस्ते से हमें निकालना है इस तरह से। तो देखिए ये मालपुए हमारे कितने अच्छे जूसी लग रहे हैं और इसे बहुत ही अच्छी से चाशनी को पी लिया है और देखकर ही खाने की इच्छा हो रही है। तो फ्रेंड्स एक बार इस मालपुए को इस बार होली में जरूर बनाइए, और मेरी रेसिपी पसंद आती है तो जरूर लाइक कीजिएगा, और बनाने के बाद पसंद आया तो प्लीज अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा, मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में जाके कि आपको मेरी ये मालपुआ की रेसिपी कैसी लगी। तो इसे बनाइए। मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।